हेलो। शुक्र है सिकंदर, तुमने तुमने फोन तो उठाया। मैं तुम्हारा मिर्जा अंकल बोल रहा हूँ। बेटा बेटा, तुम कहाँ चले गए अचानक? क्यों चले गए? कहाँ हो तुम अभी? ऐसी फिजूल बातें क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ? क्या आपको मेरे वकील का नोटिस नहीं मिला? बेटा, ऐसा क्या हो गया है? क्या गुनाह हो गया हमारी हसीना से? वो बेचारी तो 5 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही है। 5 साल से वो तुम्हें खत लिख रही है। 5 साल के बाद ही ये तलाक का नोटिस क्यों बेटा? माफी चाहता हूं मैं आपसे कि तलाक का नोटिस भेजने में मुझे 5 साल देर हो गई, मगर आपको मेरा एहसानमंद होना चाहिए कि मैंने आपकी बेटी को उस वक्त तलाक का नोटिस नहीं दिया जब वो मां बनने वाली थी। बदतमीज इंसान, तूने हसीना से उसका बेटा छीन लिया। ऐसी खरीद हरकत करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? अरे, अपने बच्चे के बिना मर जाएगी हसीना। बच्चे के बिना तो मैं भी नहीं रह सकता, और इसीलिए उसे अपने साथ ले आया। मगर आप एक बात याद रखें, मुझे बार बार फोन कर यूं परेशान ना करें। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। सिकंदर, तू अब हमारे पास पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अब पुलिस से ढूंढ निकालेगी उस बदमाश को। नहीं नहीं, यही ख्याल मेरे दिल में भी आया था, लेकिन यही सोचकर रुक गई कि पुलिस में जाने से कहीं हालात और बिगड़ ना जाए। पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर है। हो सकता है सिकंदर को अपनी गलती का एहसास हो और वो लौट के आ जाए। ऐसी खुशफहमी में मैं नहीं हूँ। थोड़ा रुक जाइए, पुलिस में अभी मैं मुंबई जा रही हूँ अपने मुसफ्फर को ढूंढने। मुसफ्फर अगर मिल भी जाए, सिकंदर इतनी आसानी से उसे तुम्हारे हवाले कर देगा क्या? इस मुल्क में कानून नाम की कोई चीज है या नहीं? मैं उनके खिलाफ मुकदमा दायर करूंगी, मगर तुम उसे ढूंढोगी कैसे? कौन रोकेगा मुझे? सिकंदर ने मेरे साथ जो किया, उसके बाद वो मेरी नजरों से गिर गया। अब मुझे उनसे कोई वास्ता नहीं रखना। मुझे सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए और उसे हर हाल में ढूंढ के रहूंगी। अबू से पूछा तुमने? उनसे पूछा नहीं है, लेकिन उन्हें पता कर जरूर जाऊंगी। आप चलोगी मेरे साथ? हाँ चलूंगी। मैं तुम्हें रोक तो नहीं सकती हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारे अब्बू कह रहे थे कि उसने घर छोड़ दिया है और ऑफिस से भी रिजाइन कर गया है। हम ना तो पुलिस के पास जा सकते हैं, ना ही अखबारों में इश्तेहार दे सकते हैं। दोस्तों और रिश्तेदारों में हमारी इतनी बदनामी हो जाएगी कि हम आंख उठा के किसी से बात भी नहीं कर पाएंगे। मुंबई में वैसे तुम अकेली जाकर करोगी क्या? अम्मी, हसीना अकेली नहीं जा रही है, मैं भी इसके साथ जा रही हूँ। लेकिन तुम दोनों कहाँ रहोगे वहाँ पर? रहने का इंतजाम हो जाएगा, हो जाएगा। मेरे दोस्त रहते हैं वहाँ, उनके वहाँ रह सकते हो। अब्बू, मैंने रहने का इंतजाम भी कर लिया है। फोन पर मेरी शबनम से बात हुई थी और यहाँ से जाने के बाद सिकंदर उनके घर गए थे। अबू शबनम ने खुद मुझसे कहा है कि मैं मुंबई में उनके साथ रहूं और मुसफ्फर को ढूंढने में भी वो हमारी मदद करेंगी। अबू, आप प्लीज हमारी टिकट्स बुक कर दीजिए, हम मुंबई के लिए आज ही रवाना होना चाहते हैं। अहमद भाई, Thank you.
वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी हो? ठीक हूँ। शबनम, ये नीलोफर भाभी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए ना, आइए। हसीना ने बताया था आपके बारे में कि आप उसकी सबसे अजीज सहेली हैं। आइए ना, तशरीफ रखिए। जी। आप कैसी हैं? कैसी दिख रही हूँ? बिल्कुल वैसी जैसी मैंने आपको हमेशा देखा है, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए। कोशिश करती हूँ खुश रहने की। तुमने बहुत अच्छा किया जो यहाँ आ गई, मैं तुम्हें अक्सर याद करती थी। मैं अभी आई। शबनम ने अपना घर बहुत सलीके से सजा कर रखा है। हाँ भाभी, ये अकेली रहती है लेकिन बहुत रखरखाव वाली है। ये जिस ऑफिस में काम करती है ना, वहाँ बहुत ऊंची पोस्ट है इनकी। सफर से आए हो, थोड़ा रिफ्रेश हो जाओ। शुक्रिया। शुक्रिया। हसीना इज लाइक फैमिली, इसलिए नो फॉर्मेलिटीज। आप इसे अपना ही घर समझिए। एक शर्त पर, आप भी हमसे कोई फॉर्मेलिटीज नहीं करेंगी। डन, मैं आप लोगों का कमरा तैयार करती हूँ। जी, गुड मॉर्निंग सर। सर, मैं उसी प्रेजेंटेशन पर काम कर रहा हूँ, आपको एक घंटे में मेल करता हूँ। आई एम सॉरी सर, मैं थोड़ा लेट हो गया प्रेजेंटेशन भेजने। आई अश्योर यू सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। जी, अल्लाह हाफिज़। अबू अब और काम नहीं करेंगे। मुजफ्फर मियाँ और अबू अब बाहर घूमने जाएंगे, ठीक है? तुम जल्दी से वो अपने नए कपड़े पहन लो जो हमने कल खरीदे हैं। अबू, अम्मी आ गई। आ जाएंगी, तुम पहले तैयार तो हो जाओ। अम्मी आ गई। बेटे, अम्मी किसी जरूरी काम से बाहर गई हैं। बाहर किधर? बाहर जिधर अबू गए थे वहीं गई हैं, लंदन। अम्मी की वहाँ नौकरी लग गई है, थोड़े दिन वहाँ रहेंगी फिर लौट आएंगी। वो मुझे छोड़ के क्यों चली गई? मुझे भी जाना है लंदन। अबू भी तो तुमसे प्यार करते हैं ना, आप अबू के पास नहीं रहोगे? अम्मी भी तो मुझसे बहुत प्यार करती है। अम्मी आपसे भी बहुत प्यार करती है। अम्मी कहती है अब बहुत अच्छे हो। जो कह न सका। कायोचक LIC, आपकी मनपसंद LIC पॉलिसियां।